रायपुर में कांग्रेस नवसंकल्प शिविर को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उदयपुर में जो संकल्प लिया गया है उसको राज्यों में कैसे लागू करना है, इसको लेकर दो दिनों तक विस्तृत चर्चा होगी। इस संकल्प को छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। बता दें कि जिस तरह से नई ऊर्जा और कलेवर के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसी तरह फिर से कांग्रेस 2022 में भारत जोड़ो अभियान चलाएगी। हर जिलों के संकल्प शिविर होंगे, 75 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे बने, उस रणनीतियों पर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे अधिकतर 50 से नीचे हैं, मुझे लगता है 50 से नीचे 50% होंगे और 50% से अधिक जो होंगे तो 50+ होंगे, वो तो आएंगे ही क्राइटेरिया में। जो अगर नहीं आएंगे तो उस समय विचार क्या करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार की नाकामियां इन 8 वर्षों में, जो बड़े बड़े वादे किए थे 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, डाटा फिस हो गया। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ गया। किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने की बात की, किसानों का हाल पूरे देश में देख लीजिए, उसके साथ साथ देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, बहुत हो गई महंगाई की बात। अब तो हम कहेंगे बस करो मोदी सरकार, और देश की जनता हर कोई देखने जा रहा तो कहीं ना कहीं